हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल लर्न स्टैंडर्ड 9th हिंदी चैप्टर नंबर 6, मेरी बीमारी श्यामा ने ली। ये जो चैप्टर है किसने लिखा है? हरिवंश राय बच्चन। उनका जन्म कब हुआ? सन 1907 में, और निधन सन 2003 में। हिंदी साहित्य में हरिवंश राय बच्चन का नाम उनकी एकमात्र कृति से ही अमर हो गया। हालांकि विपुल मात्रा में साहित्य सृजन किया है, छायावादोत्तर काल के कवियों में बच्चन एक विशिष्ट सर्जक रहे हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंग्रेजी के प्राध्यापक के रूप में, तत्पश्चात दिल्ली में सरकारी सेवा, आकाशवाणी और दो एक अन्य स्थलों पर आपने सेवाएं दी। क्या हरिवंश राय बच्चन जो है उनकी एकमात्र कृति से उन्होंने साहित्य सृजन बहुत सारा किया था, लेकिन उसमें से एक जो उन्होंने सृजन किया, एक जो कृति उन्होंने लिखी, उसके ऊपर से उनका नाम अमर हो गया था। छायावादोत्तर काल के कवियों में जो बच्चन जी है वो एक विशिष्ट सर्जक रहे हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो है वहाँ पे उन्होंने प्राध्यापक के रूप में, उसके बाद दिल्ली में सरकारी सेवा, आकाशवाणी और दो अन्य स्थान पर सेवाएँ भी उन्होंने दी है। भारत के एक विशिष्ट कवि के रूप में राष्ट्रपति जी ने उन्हें राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया था। प्रारंभिक नौकरी पायोनियर प्रेस में की थी। क्या भारत सरकार जो है उन्होंने इन्हें, भारत के जो राष्ट्रपति जी है उन्होंने इसे राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया था। और शुरुआत में, स्टार्टिंग में जब उन्होंने जॉब की तो कहाँ पे की थी? पायोनियर प्रेस में। मधुशाला के कवि के रूप में बच्चन जी को इतनी शोहरत मिली कि उनकी मधुशाला का सभा सम्मेलनों, कवि गोष्ठी आदि में होता था। लोग बड़ी संख्या में उमड़ते थे। मधुशाला करके जो बच्चन जी की कृति थी वो उनकी शोहरत, उनको जहाँ पे भी सभा सम्मेलन हो या फिर कवि गोष्ठी हो तो वहाँ पे लोग बहुत सारे आ जाते थे, क्योंकि उनकी ये जो कृति थी वो बहुत ही अच्छी थी। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से जोहन पेट्स नामक कवि के समग्र वाडम्य पर आपने पीएचडी की है। केंद्रीय मंत्रालय दिल्ली में आपने हिंदी विशेषज्ञ के रूप में अप्रतिम कार्य किया है। आपको कई पुरस्कार जैसे सोवियत लैंड पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार और पद्म विभूषण आदि प्राप्त हुए हैं। उन्हें कौन कौन से पुरस्कार प्राप्त हुए? सोवियत लैंड पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार और पद्म विभूषण। तीर पर कैसे रुकूं मैं आज, लहरों का निमंत्रण और इस पार प्रिय तुम हो, मधु है उस पार न जाने क्या होगा, जैसे काव्य पंक्तियाँ आज भी लोगों की जबान पर है। कौन से काव्य पंक्तियाँ? तीर पर कैसे रुकूं मैं आज, लहरों का निमंत्रण, और दूसरी इस पार प्रिय तुम हो, मधु है उस पार न जाने क्या होगा। ऐसी जो काव्य पंक्तियाँ हैं वो लोगों की जबान पर आज भी है। मधुशाला, निशा निमंत्रण, सप्तरंगिनी, मिलनयामिनी, आकुल अंतर और एकांत संगीत नामक इनके सुप्रसिद्ध काव्य संग्रह है। तो क्या भूलू क्या याद करूँ, नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर और दस द्वार से सोपान तक शीर्षक से चार खंडों में लिखी आपकी आत्मकथा है। उनके सुप्रसिद्ध काव्य संग्रह कौन कौन से हैं? मधुशाला, निशा निमंत्रण, सप्तरंगिनी, मिलनयामिनी, आकुल अंतर और एकांत संगीत। ये इनकी क्या थी? काव्य संग्रह। और क्या भूलू क्या याद करूँ, नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर, दस द्वार से सोपान तक, ये उनकी क्या है? आत्मकथा। मेरी बीमारी श्यामा ने ली आत्मकथांश है। ये जो है मेरी बीमारी श्यामा ने ली वो क्या है? आत्मकथांश, जो क्या भूलू क्या याद करूँ में से लिया गया है। ये किसने से लिया गया है? क्या भूलू क्या याद करूँ उसमें से लिया गया है। बच्चन जी की प्रथम पत्नी का नाम श्यामा था, जो सही अर्थ में एक आदर्श जीवन संगिनी थी। श्यामा की बीमारी उसकी खुद की न होकर बच्चन जी की थी।
जो सेवा करते करते ले ली गई थी। बच्चन जी का यह मंतव्य श्यामा की पति भक्ति, कर्तव्य परायणता और निष्ठा का प्रतीक है। क्या जो बच्चन जी की पहली जो पत्नी थी, पहली जो उनकी वाइफ थी, उसका नाम क्या था? श्यामा। और श्यामा जो है वो एक आदर्श जीवन संगिनी थी। श्यामा की जो बीमारी थी वो उनकी खुद की नहीं थी, वो किसकी थी? बच्चन जी की थी। और जो बच्चन जी की सेवा करते करते उन्होंने ले ली थी। बच्चन जी का मंतव्य श्यामा की पति भक्ति, कर्तव्य परायणता और निष्ठा का प्रतीक है। प्रस्तुत आत्मकथांश में श्यामा ने बीमारी का दर्दनाक और कारुण्य सभर निरूपण मिलता है, तो दूसरी ओर कवि की भावुकता और संवेदनशीलता का प्रकटीकरण मिलता है। क्या भूलू क्या याद करूँ श्री हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। हिंदी के इस सुप्रसिद्ध कवि ने अपने संस्मरण बड़े ही रोचक ढंग से आलेखित किए हैं। कवि अपने जीवन की घटनाओं के साथ उस युग का चित्र भी दे देता है। प्रस्तुत अंश क्या करूँ क्या भूलू क्या याद करूँ से लिया गया है। इसका यह शीर्षक मेरी बीमारी श्यामा ने भी विषय वस्तु का भी निर्देश करता है। अब हम देखते हैं चैप्टर। मैं अपनी बीमारी को दुलराने वालों में न था। सच कहो तो मैं अपनी बीमारियों के प्रति प्रायः निर्भय था। शायद मैंने गांधी जी के ही लेख में कहीं पढ़ा था कि बीमार होना अपराध है। क्या मैं अपने लेखक जो वो अपनी खुद की बात कर रहे हैं कि मैं अपनी जो बीमारी है उसे दोहराने वाले जो होते उसमें से न था। सच कहूँ तो पहले से मैं उसके प्रति बहुत ही निर्भय था। शायद मैंने गांधी जी के ही लेख में कहीं पे पढ़ा था। किसके लेख में? गांधी जी के। क्या पढ़ा था? कि बीमार होना अपराध है। हमें जो शरीर दिया गया है उसे हम स्वस्थ न रखें तो हम अपराधी तो है ही। मैं इस तर्क को कुछ और आगे ले गया था। क्या पढ़ा था उन्होंने? कि हमें जो शरीर दिया गया है उसे हम स्वस्थ न रखें तो हम अपराधी ही है। इस तर्क को वो कुछ आगे लेके गए थे। अपराधी को दंड देना चाहिए। अपराधी को क्या देना चाहिए? दंड देना चाहिए। मुझे जब कभी छोटी मोटी बीमारी होती, जुकाम, बुखार, खांसी, सिर दर्द, तो मैं खाट पर न लेटता और भी अपने से काम लेता। क्या कि जब भी उन्हें कोई छोटी मोटी बीमारी होती, जैसे कि जुकाम, बुखार, खांसी, सिर दर्द, तो खाट पर न लेटते और भी अपने से काम लेते, मतलब और ज़्यादा काम करते थे। जितने वो बीमार होते थे उतने वो ज़्यादा काम करते थे। मुझे भरे भुट्ट बुखार में अपनी रात की ट्यूशन पर जाने की याद है। बुखार की गर्मी और तेज़ी में तो मैं और जोश से पढ़ाता। मजदूरी करके रोटी कमाने वाले को बीमार पड़ने का क्या अधिकार है? बीमारी अमीरों की हरम जगदी है, गरीबों को उसे अपने पीछे न लगाना चाहिए। लिखने में तो ऊंचा बुखार मुझे सब तरह से सहायक, प्रेरक और प्रोत्साहक लगता। एक तरह की आग जिससे मेरी अनुभूतियों में ताप आता, जिसमें गल पिघल कर मेरा हृदय ढलता। एक तरह की भट्टी जो मेरे विचार, भाव, कल्पनाओं को उबाल देकर उछलित करती। लेखक का क्या मानना है? कि ये जो छोटी मोटी बीमारी है वो हमारे लिए नहीं है, गरीबों के लिए नहीं है, जो मजदूरी करके रोटी कमाते हैं उनके लिए नहीं है। ये जो बीमारी है वो किसके लिए है? अमीर की हरम जगती, मतलब अमीरों के लिए है। और जो लेखक है उन्हें तो बहुत ही ज़्यादा बुखार होता था, फिर भी वो रात का ट्यूशन, उनकी जो ट्यूशन होती थी वो कभी रोकते नहीं थे, वो तो ट्यूशन चले जाते थे। और जो ये बुखार होता था, बुखार की गर्मी की वजह से उनके अंदर एक अलग अनुभूतियों से ताप आता था, मतलब उन्हें एक अलग जोश जगता था और वो ज़्यादा काम करते थे। यह तो मैं नहीं कहूँगा कि बुखार में मैं अदबदा कर लिखता था, पर अगर मैं लिखना चाहता था तो बुखार मेरे लिए कोई बाधा नहीं बन सकता था। हल्के बुखार में तो मेरे सब काम हस्ब मामूल होते रहते थे। कोई मेरा बदन छूकर कभी कहता था कि तुम्हें तो बुखार है, तो मैं पट से जवाब देता था कि हाँ बुखार है और मैं भी हूँ। क्या कि
उनका जो बुखार होता था वो कभी उनके काम में बाधा नहीं बना। वो जितना बुखार होता था उससे भी ज़्यादा काम कर लेते थे, और कभी उन्होंने हल्के मुल्के बुखार की वजह से कोई छुट्टी या फिर कोई काम में रोक नहीं लगाई। और कोई उनको छू के ऐसा बोले कि तुम्हें तो बुखार है, तो ये क्या बोलते थे कि हाँ बुखार है और मैं भी तो हूँ। शायद किपलिंग में अपनी आत्मकथा में लिखा है कि कभी कभी उसे बुखार में भी काम करना पड़ता था, और जब वह बुखार में होता था तो और अच्छी कहानियाँ लिखता था। किपलिंग करके जो लेखक है उसने अपनी आत्मकथा में क्या लिखा है, कभी कभी उसे बुखार में भी काम करना पड़ता था, और जब वो बुखार में काम करते थे तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी कहानियाँ लिख सकते थे। बुखार में कम लिखने की मुझे याद नहीं, वह कैसा बन पड़ा इसका निर्णय मैं न देना चाहूँगा। प्रसंगवश मुझे याद आ गया है कि अपनी दो चट्टानों की दो सबसे बड़ी कविताएं सात्रम के नोबल पुरस्कार ठुकरा देने पर, और दो चट्टान अथवा सिसिफस वर्क्स हनुमान मैंने प्लूरिसी में पढ़े पढ़े लिखी थी। वो बहुत ही बीमार थे फिर भी उन्होंने क्या लिखा था कि दो चट्टान अथवा सिसिफस वर्क्स हनुमान, वो उन्होंने तबीयत खराब थी तब भी लिखा था। और किपलिंग की तरह लेखक का भी यही मानना था कि जितनी तबीयत खराब है, जितना उनको ज़्यादा बुखार है, वो उतनी ज़्यादा अच्छे से लिख सकते हैं। बहरहाल जब मैं अपनी जवानी पर था, बीमारी मुझे पराजित न करती थी, मैं ही अपनी जीत से बीमारी को पराजित कर देता था। बुखार सुखार आखिर कितने दिन चलता क्या, जब वो जवानी पर मतलब कि वो युवान थे तब उन्हें जो बीमारी है वो उन्हें हरा नहीं पाती थी, और वो अपनी जीत से बीमारी को हरा देते थे। ये बुखार सुखार आखिर कितने दिन तक चलता, वो भी ऐसा सोचते थे कि वो कितने दिन तक चलेगा, जब थक जाएगा तो चला जाएगा। विश्राम तिवारी कहा करते थे, मार के पीछे भूत भागे। मैंने अपने प्रयोग से सिद्ध किया था काम के पीछे बुखार भागे। विश्राम तिवारी करके जो थे उन्होंने क्या बोला था, मार के पीछे भूत भागे। तो ये जो लेखक है उन्होंने अपने प्रयोग से क्या सिद्ध किया था, काम के पीछे बुखार भागे।